इस मस्ती में थोड़ा हम पे ध्यान दीजिए। पवन सिंह और स्मृति सिन्हा का गाना आज रिलीज हुआ, वो गाना सभी को बहुत पसंद आया और अब उस गाने पर बड़ी तेज़ी से धड़ाधड़ रील बनने लगी है। आपको बता दें कि भोजपुरी में पवन के गानों पर सबसे ज़्यादा रील बनती है और अब हम आपको बताने वाले हैं कि त्रिशाकर मधु, जो कि पिछले दिनों अपने कंट्रोवर्सी के वजह से सुर्खियों में थी, उन्होंने नवरात्र में पवन सिंह के गाने पर रील बनाई जो कि आज रिलीज हुआ और इस गाने को दर्शकों का प्यार मिल रहा है। और वहीं दूसरी तरफ संजय पांडे, जी हाँ संजय पांडे, जो कि पवन का नवरात्रि का गाना तो नहीं गा रहे हैं लेकिन पवन के 700 मिलियन व्यूज़ पहुंचने वाले गाने पुदीना का गाना वो गुनगुना रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि इन दिनों खेसारी लाल यादव की फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं संजय पांडे और उत्तर प्रदेश में हैं और वहीं पर एक लॉन्च पे, लॉन्च के बाहर वो इस गाने पर परफॉर्म कर रहे हैं और आप देखिए बड़ी ही बखूबी से संजय पांडे इस गाने पर परफॉर्म भी कर रहे हैं। आपको यहाँ ये बता दें कि संजय पांडे और त्रिशाकर मधु के अलावा भोजपुरी में ऐसे कई कलाकार हैं जो कि हमेशा रील बनाते रहते हैं पवन सिंह के गानों पर। पवन सिंह की आवाज़ में जो खनक है वो भोजपुरी के किसी भी कलाकार के आवाज़ में नहीं है और पवन सिंह जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर, उसे देखकर ये लग रहा है कि आने वाले समय में भोजपुरी इंडस्ट्री का भविष्य पवन सिंह के कारण आगे बहुत सराहा जाएगा। वैसे आपको पवन का कौन सा गाना नवरात्र में पसंद है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।